हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन अवेलेबल कराने जा रहा हूँ। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप जल्दी जल्दी इस चैनल को यूट्यूब पर जाकर, जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय भरत सर, आप यूट्यूब पर जाकर मैथमेटिक्स बाय भरत सर चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस चैनल का जो टारगेट है उसमें आप सपोर्ट करें। इस चैनल का एकमात्र लक्ष्य है अधिक से अधिक स्टूडेंट्स, सफल विद्यार्थी का निर्माण करना। तो अब मैं आपको पहला क्वेश्चन देखिए बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है रूट अंडर 2 का पावर 6 + 15 का स्क्वायर, इसका मान निकालना है। पहला ऑप्शन है 17, दूसरा 19, तीसरा है 15, चौथा है 21। हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। देखिए 2 पर पावर 6 है और 15 का स्क्वायर है, तो 2 का पावर 6 जो है ये क्या हो जाएगा, 64। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। इसको ऐड करेंगे तो 289 आएगा, और 289 एक छोटा नंबर है जिसका वर्गमूल लगभग सभी आपको पता होगा 17, इसका वर्गमूल 17 आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अब मैं आपको दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है √2 है, √3 है और √4 है, √5 है। इसमें कह रहा है सबसे बड़ी कौन है। √2 है पहला ऑप्शन, दूसरा है √3 है, √4 है, √5। ऐसा क्वेश्चन अगर रहे, यहाँ देखिए खाली, जैसे कि √2 है, √3 है और √4 है और √5 है, तो सबसे पहले आप यहां देखिए, अगर खाली है तो यहां 2 है और यहां 2 है, इसको ऑर्डर कहते हैं। यहां जो रहता है, यहां ऑर्डर 2 है, यहां ऑर्डर 3 है, यहां ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 3 है। इसका लघुत्तम लीजिए पहले, ऑर्डर 2 को है, ये है दो तरह का, यहां 2 है, यहां 3 है, और यहां पर फिर 2 है, और फिर यहाँ पर 3 है। इसका लघुत्तम निकालेंगे, इसका एलसीएम 6 आएगा। तो आप सबको आप कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ 6 अगर आएगा, 2 + 6 ये हो जाएगा 2 पर पावर 3, और फिर इसको कन्वर्ट कीजिए आप, 3 × 2 = 6 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर इसको कन्वर्ट कीजिए आप, यहाँ पर 6 आएगा तो 2 × 6 = 6, 4 का पावर 3 आएगा। इसको अभी कन्वर्ट कीजिए आप, 3 × 2 = 6, आप 3 से काटे यहाँ 6 को, 3 × 2 = 6 हुआ, दो बार में काटा इसलिए 5 का स्क्वायर, 2 से काटे 6 को, 2 × 6 = 6, 3 बार में काट रहा है 4 का पावर 3, तो यहाँ देखिए ये 8 आएगा, ये 9 आएगा, 3 का स्क्वायर, 4 का पावर 3 = 64 आएगा। तो सबसे बड़ा ये आ रहा है, काहे कि यहाँ 8 आ रहा है रूट में, यहाँ आ रहा है क्या 9, यहाँ 64, यहाँ 25। हमारा जो ये है, हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अब मैं आपको तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, cosec 3π/4, इसका मान निकालना है। पहला ऑप्शन है -√2, दूसरा है √2, तीसरा है 2/√3, चौथा है -2/√3। हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। कौशिक है 3π/4, इसको आप क्या कर दीजिए, कौशिक π − π/4, यहाँ पाई माने पाई रेडियन है, 180 भी हो जाएगा। और आपको जानना चाहिए कौशिक π − θ = होता है कौशिक थीटा, थीटा के जगह पर क्या है π/4, ये हो जाएगा कौशिक π/4 और कौशिक 45। कौशिक 45 का मान होता है 1/√2, तो हमारा कौशिक 45 है, सॉरी, हम लोग जानते हैं साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो कौशिक 45 है तो उल्टा हो जाएगा। इसका हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। आपको याद रखना है, अगर π/4 है, ये रेडियन में है, ये हो जाएगा π/4 × 180/π, ये डिग्री हो जाएगा।
यानी रेडियन में रहेगा ना एंगल, उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बटा पाए से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे पाए बटा 3 रेडियन है, पाए बटा 3 गुना हो जाएगा 180 बटा पाई, और ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 45। आपको याद रखना है रेडियन को डिग्री में बदलना है तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बटा पाई से। और इस फार्मूला को याद कर जाएंगे, कॉसेक पाई माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अब मैं आपको चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है, किस समीकरण के मूलों का जोड़ 11 है? पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 11x+18 जीरो है, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x+10 बराबर जीरो, तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x-26 जीरो, चौथा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 बराबर जीरो। तो हमको मूलों का योग, तो हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। देखिए हम लोग जानते हैं मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। तो आप देखिए सभी क्वेश्चन में ए का मान आपका पॉजिटिव है और आपको चाहिए 11, आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 11 पॉजिटिव है। तो यहाँ निगेटिव फार्मूला में आ रहा है, बी का मान निगेटिव कहाँ है देखिए, और वो देखिए बी का मान यहाँ पर निगेटिव आ रहा है। अगर यहाँ से उठाएंगे हम, अगर यहाँ से उठाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11x+18 जीरो, तो इसमें आपको a बराबर 1 आएगा, b माइनस 11 आएगा और c बराबर 18। अगर इससे उठाते हैं तो देखिए क्या होता है, माइनस माइनस 11/1, b का मान माइनस 11, तो यह माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 11/1 मतलब 11। अगर इस समीकरण के साथ हम जाएंगे तो मूलों का योगफल कितना आएगा, इसके साथ जाने पर मूलों का योगफल 11 आएगा। हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अब मैं फिर आपको लास्ट में कहना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पर जाकर मैथमेटिक्स बाय भरत सर चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।